गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6 ऑफ अवर सोशल साइंस बुक. सो ऑल ऑफ यू ओपन योर डिस्कवरिंग सोशल साइंस बुक्स एंड पेज नंबर 71. सो हियर वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6 मोर अबाउट कल्चर एंड हेरिटेज. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट आवर कल्चर एंड आवर हेरिटेज. सो लेट्स स्टार्ट विद सम न्यू वर्ड्स. रिलीजियस मीन्स समथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब धार्मिक जिसको बोलते हैं. डायनेस्टी, जनरेशन और रूलर्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली. अगर सेम ही फैमिली किसी किंग की काफ़ी टाइम से रूल कर रही है तो उसको बोलते हैं डायनेस्टी. आर्किटेक्चर्स, जो डिज़ाइन और स्टाइल होता है बिल्डिंग्स का, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर. कम्युनिटी का मतलब होता है कि अगर एक जगह पे ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे रह रहे हैं. हारमोनी का मीन्स होता है कि अगर कोई बहुत सारे लोग एक जगह विद पीसफुली रहते हैं. इन्फ्लुएंस का मतलब होता है इफेक्ट दैट समथिंग हैज ओवर समबडी और समथिंग, किसी चीज़ का दूसरी चीज़ पर या किसी दूसरे इंसान पर असर होना, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस होना. मोन्यूमेंट्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है हमारी. और मिनरेट्स होती हैं, जो बहुत लंबे लंबे टावर टाइप बने होते हैं किसी भी मस्जिद के ऊपर. लाइक इस पिक्चर में ये देखो, ये दोनों जो बने हुए हैं इनको बोलते हैं मिनरेट्स. सो लेट्स बिगन विद अवर कल्चर एंड हेरिटेज. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजियस. पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज हैव कम एंड सेटल्ड इन इंडिया. इंडियन फेस्टिवल्स एंड आर्किटेक्चर हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्ट्री, वेरियस कल्चर्स एंड डिफरेंट रिलीजियस. देयर इज अ पार्ट ऑफ अवर रिच हेरिटेज. इंडिया की जो लैंड है उसमें बहुत सारे कल्चर और रिलीजियस हैं. यहाँ पर क्योंकि बहुत अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आकर सेटल हुए हैं, तो इसकी जो फेस्टिवल्स हैं या जो इसकी आर्किटेक्चर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हुए हैं इसकी हिस्ट्री से, इसके कल्चर से और इसके डिफरेंट रिलीजियस से. ठीक है, जो हमारे पूरी रिच हेरिटेज का एक पार्ट है. सो लेट्स बिगिन विद आर्किटेक्चर. जो हमने अभी हम पढ़ते हैं हमारी आर्किटेक्चर कैसी है जो पुराने समय से बनी हुई हैं. एवरी सिविलाइजेशन हैज़ इट्स ओन स्पेशल स्टाइल ऑफ मेकिंग बिल्डिंग और रेजिडेंशियल्स फॉर रेजिडेंशियल्स ऑफिशियल रिलीजियस एंड ऑर्नामेंट पर्पजेज. सेवरल फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन द वर्ल्ड अराउंड अस. तो हर एक सिविलाइजेशन का अपना खुद का एक स्टाइल होता था बिल्डिंग्स बनाने का. बिल्डिंग्स क्यों बनाते थे? रहने के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, रिलीजियस के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पजेस के लिए. कुछ फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर आज भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं. इंडिया इज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ आर्किटेक्चर. इट्स मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड ब्यूटीफुल जेम स्टडेड पैलेसेस, बिग फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड चर्चेज. केयरफुली डिजाइंड वाटर टैंक्स फॉर और बुलीज बॉलीज फॉर वाटर कंजर्वेशन ऑल्सो रिवेल्ड द डाइवर्स स्किल दैट हैव बीन यूज टू बिल्ड रिच इंडियाज रिच हेरिटेज. तो इंडिया की जो हेरिटेज है बहुत रिच है आर्किटेक्चर के फॉर्म में. इसके मॉन्यूमेंट्स के अंदर ब्यूटीफुल जेम स्टडीड पैलेसेज हैं, मतलब ऐसे पैलेसेज बने हुए हैं जिनके अंदर हीरे मोती भी जड़े हुए हैं. बहुत बड़े बड़े किले हैं, मंदिर, मस्जिद और चर्च हैं. ठीक है, इसके जो वाटर टैंक्स हैं जिनको बॉलीज बोला जाता है, वो बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किए हुए हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, जिनसे कि डाइवर्स स्किल के बारे में पता लगता है कि उस टाइम के जो बनाने वाले थे इन सबको, वो बहुत स्किल्ड लेबर थे. ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्ट्री, वेरियस कल्चर्स एंड डिफरेंट रिलीजियस. इंडिया आर्किटेक्चर हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिज़ाइन एंड स्टाइल फ्रॉम अदर कल्चर्स, बट इट हैज़ मेंटेन अ यूनिक स्टाइल ऑफ इट्स ओन. द ताजमहल एट आगरा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. जो आर्किटेक्चर इंडिया के इन्फ्लुएंस्ड हुआ इसकी हिस्ट्री से, कुछ कल्चर से या डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से या किसी दूसरों के स्टाइल से भी, बट इनका खुद का भी इन्होंने हमेशा एक मेंटेन रखा है अपना यूनिक स्टाइल को. लेकिन जो ताजमहल है वो आगरा, जो आगरा में ताजमहल है वो 7 वंडर्स में से वर्ल्ड के एक है. ये यूनिक है पूरा, इसके इतना दोबारा नहीं बना. लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ द फेमस आर्किटेक्चरल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. इंडिया की कुछ फेमस आर्किटेक्चरल साइट्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज मीनाक्षी टेम्पल. मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई तमिलनाडु में है. इसके कुछ मेन फीचर्स क्या हैं? दिस टेम्पल हैज 14 टावर कोल्ड गोपुरम्स एंड 1000 पिलर्स ऑल विद 985 पिलर्स. इसके बेटा देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ऊपर जो टोटल टावर्स हैं ये 14 टावर्स हैं और इसके अंदर जो हॉल है उसके अंदर 985 पिलर्स हैं. इमेजेस ऑफ गॉड एंड गोडेस वर कार्व्ड ऑन दिस पिलर्स. और इन पिलर्स पर भगवान की या देवी देवताओं की फोटोज बनी हुई हैं. दीज इमेजेस टेल लेजेंडरी टेल्स जस्ट आउटसाइड दिस पिलर होल टुवर्ड्स द वेस्ट आर द म्यूजिकल पिलर्स. और इन इमेजेस से कोई पुरानी स्टोरीज डिपिक्स होती हैं और जिसके बाहर आती हैं जब, तो वेस्ट की तरफ जब जाते हैं तो म्यूजिकल पिलर्स हैं सारे वो. द पिलर्स ऑफ द टेम्पल प्रोड्यूस अ डिफरेंट म्यूजिकल नोट एवरी टाइम दे आर स्ट्रक. जब भी इन पिलर्स को हम स्ट्रक करते हैं तो हमेशा इनमें से अलग अलग साउंड आती है. इन द सेंटर ऑफ द टेम्पल देर इज अ पॉन्ड कॉल्ड कुलुम. टेम्पल के सेंटर में एक पॉन्ड है, तालाब, इसको कुलुम बोलते हैं. नेक्स्ट इज जमा मस्जिद.
जामा मस्जिद इन दिल्ली इज वन ऑफ द फेमस मॉस्क्यू इन इंडिया। दिस मॉस्क्यू वॉज बिल्ट बाई मुगल किंग शाहजहां इन द 17th सेंचुरी। मेन फीचर ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स आर इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। इट हैज़ अ ह्यूज कोर्टयार्ड विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन प्रे एट द सेम टाइम। द रूफ ऑफ द मॉस्क्यू हैज 8 डॉम्स। देर आर 2 मिनारेट्स विद स्टेयरकेस इनसाइड देम। दिस मॉन्यूमेंट इज प्राइमली मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल। इट इज सेड दैट अबाउट 5,000 वर्कर बिल्ड दिस मॉस्क्यू इन 7 ईयर्स। हाँ जी, जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। ये वन ऑफ द फेमस मॉस्क्यू, इंडिया का फेमस मॉस्क्यू और सबसे बड़ा भी है। इसको बनवाया था मुगल किंग थे शाहजहां 17th सेंचुरी में। इसके फीचर्स क्या है? एक तो सबसे बड़ा है इंडिया का, दूसरी बात इसका जो कोर्टयार्ड है जहाँ पर लोग प्रेयर करते हैं इतना बड़ा है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन प्रे एट द सेम टाइम। इसकी जो छत है उसके ऊपर 8 डॉम्स बने हुए हैं। डॉम्स मीन जो ये वाले बने हुए हैं ना, ये वाले, इनको डॉम्स बोलते हैं। टोटल 8 हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर 2 मिनारेट्स बने हुए हैं, ये वाले बहुत टॉल टावर्स होते हैं। इसके अंदर स्टेयर केस भी बनी हुई है, स्टेयर्स लगी हुई हैं इसके अंदर। और इस पूरा ये बना है रेड सैंडस्टोन से और वाइट मार्बल से। और ये कहा जाता है कि इसको बनाने में 7 साल लगे थे और टोटल 5,000 लेबर्स इसमें या वर्कर्स ने काम किया हुआ है। नेक्स्ट इज हवा महल। हवा महल इज़ अ 5-story वॉल बिल्ट बाय महाराजा स्वाई प्रताप सिंह इन 1799। मेन फीचर्स ऑफ दिस मॉन्यूमेंट आर हवा महल मीन्स पैलेस ऑफ विंड्स। ड्यूरिंग एनी सेरेमनी प्रोफेशन मूवमेंट्स ऑफ द रॉयल फैमिली वुड सिट इन द स्मॉल विंडोज और द जरोखास ऑफ द पैलेस। दे वुड वॉच द प्रोसेशन प्रोकेशन फ्रॉम देयर स्टोन कार्व्ड जरोखास। हवा महल वॉज बिल्ट विद पिंक सैंडस्टोन इन हनीकॉम डिजाइन इन द सिटी ऑफ जयपुर। तो हवा महल एक 5-story वॉल, जवा महल जो एक्चुअल में क्या है, एक 5-story वॉल टाइप में है जो महाराजा स्वाई प्रताप ने 1799 में बनाई थी जयपुर में। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? हवा महल का मतलब था कि पैलेस ऑफ विंड, गॉट इट। किसी भी फंक्शन के टाइम पे क्या होता था, मूवमेंट्स जो होती थी इनकी रॉयल फैमिलीज की, उनको बाहर आना तो अलाउड नहीं होता था, वो स्मॉल विंडोज़ बनी होती थी। आप इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक जगह कुछ स्मॉल स्मॉल विंडोज़ बनी हुई ना, ये देखो। तो इन विंडोज़ में बैठ जाती थी, इनको जो खास बोलते थे, और यहाँ से सारा फंक्शन वो देखती थी। हवा महल जो है वो पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ और हनीकॉम्ब के डिज़ाइन में बना हुआ। हनीकॉम्ब का डिज़ाइन जैसे हनी का जो घर होता है ना, ऐसे शेप में होता है, वो इस डिज़ाइन में बने हुए हैं ये। द लेक पैलेस, द लेक पैलेस इन उदयपुर राजस्थान इज ऑलमोस्ट 250 ईयर्स ओल्ड। इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा जगत सिंह। इट इज़ बिल्ट इन द मिडल ऑफ लेक पिचोला। मेन फीचर ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स आर इट इज़ मेड फ्रॉम वाइट सैंडस्टोन एंड मैनी कोर्टयार्ड एंड फाउंटेन। द रॉयल फैमिलीज यूज इट एट समर रिजॉर्ट। लेक पैलेस उदयपुर में है जिसको आज से 250 ईयर्स पहले बनाया था, राजस्थान में है ये। इसको महाराजा जगत सिंह ने बनवाया था और ये पूरी एक लेक है, चोला लेक, उसके सेंटर में बना हुआ है। और इसके मेन फीचर्स हैं कि वाइट सैंडस्टोन से बना हुआ और इसके अंदर काफ़ी कोर्टयार्ड्स और फाउंटेन्स हैं। और जो रॉयल फैमिलीज हैं इसको ऐसे समर रिजॉर्ट भी यहाँ पर घूमने आते हैं समर में। उदयपुर लेक पैलेस हैज़ बिन टर्न इनटू अ 5-star पैलेस एंड नाउ कॉल्ड अ ताज लेक पैलेस एंड इट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट। जो उदयपुर लेक पैलेस है ये आज अब 5-star पैलेस में टर्न हो गया और उसका नेम हो गया है ताज लेक पैलेस, जिसे बहुत सारे टूरिस्ट इसको देखने आते हैं। निजामुद्दीन टॉम्ब, निजामुद्दीन टॉम्ब ऑल्सो नोन एज निजामुद्दीन दरगाह, इट इज सिटेड इन दिल्ली। इसको निजामुद्दीन दरगाह भी बोला जाता है, दिल्ली में है। इट वॉज बिल्ड फॉर निजामुद्दीन औलम, तो फेमस सूफी संत थे दिल्ली के लिए, उनके लिए बनाई गई थी ये। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? द टॉम्ब इज सराउंडेड बाय कोर्टयार्ड वेयर पीपल गैदर फॉर प्रेयर। इसके आसपास पूरा कोर्टयार्ड बना हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग प्रेयर करने के लिए इकट्ठे होते हैं। निजामुद्दीन टॉम्ब हैज केप्ट अलाइव द ट्रेडिशन ऑफ कव्वाली म्यूजिक। इसने अभी भी कव्वाली म्यूजिक के ट्रेडिशन को जिंदा रखा हुआ है। मैनी कव्वाली सिंगर्स एंड म्यूजिशियन कम टू दरगाह टू प्रेजेंट डिवोशनल सॉन्ग्स। और आज भी वहाँ पर बहुत सारे कव्वाली सिंगर्स आते हैं वहाँ पर दरगाह पर अपने सॉन्ग्स को प्रेजेंट करते हैं। न्यू आर्किटेक्चर टाइम बिगन टू डेवलप एंड इंडिया कम अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश। और फिर उसके बाद जब ब्रिटिश का यहाँ पर रूल हुआ तो नए आर्किटेक्चर स्टाइल से चीज़ें बननी शुरू हुई। दिस कैन बी सीन इन राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली एंड द विक्टोरियल मेमोरियल इन कोलकाता। द चर्चेज ऑफ गोवा एंड द फाइन एग्जाम्पल ऑफ पोर्टुगीज आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने अपने स्टाइल से चीज़ें बनाने शुरू की। ये सभी एग्जाम्पल जो हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर बिल्ड हुए हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल्स, इंडिया के अंदर फेस्टिवल्स 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और सोशल फेस्टिवल। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी फेस्टिवल, हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। दीज फेस्टिवल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। ये हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन गिव अस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।
फेस्टिवल इन इंडिया बीन ग्रुप इन टू थ्री कैटेगरीज। फेस्टिवल हमें फेस्टिवल और जितने भी सेलिब्रेशन होते हैं हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने फ्रेंड्स से मिलने की, हमें रिलेटिव से मिलने की। तो थ्री टाइप्स के हैं, लेट्स लर्न अबाउट दिस फेस्टिवल। फर्स्ट होते हैं नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये जिन पे नेशनल हॉलीडेज होती हैं वो सब होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये पूरे पूरे इंडिया वाइज मनाए जाते हैं। दिस फेस्टिवल आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फेस्टिवल एज दे आर नॉट सेलिब्रेटेड बाई एनी पर्टिकुलर वन ग्रुप अलोन। ये बाकी फेस्टिवल से अलग है क्योंकि इन्हें कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप नहीं मनाता, पूरा देश मिलकर इन्हें मनाता है। ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल। आफ्टर अबाउट 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त। सिंस देन ईच डे ईच ईयर दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। अब सबको पता है कि ब्रिटिश का 200 ईयर्स ऑफ रूल रहा था, उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी एंड 15 अगस्त 1947, उस टाइम से लेकर आज अभी तक या आगे भी उस दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ऑन दिस डे अवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन बाय गिविंग स्पीच फ्रॉम द रेड फोर्ट। उस दिन प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो नेशन को एड्रेस करते हैं अपनी स्पीच रिप्रेजेंट करके एट द रेड फोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो बेटा 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, बट उसके 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मतलब पूरे रूल्स रेगुलेशंस बने थे। दिस मेड अवर कंट्री एज अ रिपब्लिक। उसके बाद हमारी कंट्री रिपब्लिक हुई थी। दैट डे इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री विच इज ओन रूल्स एंड पॉलिसीज। उस दिन इंडिया कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो गई थी खुद के रूल्स रेगुलेशन के साथ। तो उस दिन को एज ए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और 26 जनवरी एक बहुत बड़ी परेड होती है जो कि राजपथ से इंडिया गेट तक चलती है। नेक्स्ट हमारा नेशनल फेस्टिवल है गांधी जयंती। मोहनदास करमचंद गांधी इज ऑल्सो नोन एज महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर गुजरात। ही लेड द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम इन इंडिया। ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। सो एवरी ईयर पीपल सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी एज गांधी जयंती। तो 2 अक्टूबर को हमारे फादर ऑफ नेशन या बापू जी का बर्थडे होता है। तो इन्होंने इंडिया के लिए बहुत स्ट्रगल किया था फ्रीडम के लिए, इंडिया की फ्रीडम के लिए। तो इसलिए इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको एज अ गांधी जयंती मनाया जाता है और वो नेशनल फेस्टिवल में काउंट होती है। गांधी हैज़ रिटन फेमस बुक माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ विच टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस एंड एम्फेसिस द वैल्यूज ऑफ ट्रूथ। तो गांधी जी ने एक बुक लिखी थी माई एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया था और वैल्यू ऑफ ट्रूथ के बारे में एम्फेसाइज किया है। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका बर्थडे जो होता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889। ही वॉज एन इंपॉर्टेंट लीडर इन द स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये भी इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया था। नेहरू वॉन्टेड चिल्ड्रन टू बी लुक आफ्टर केयरफुली बिकॉज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री। ये मानते थे कि बच्चों की देखभाल अच्छी तरह होनी चाहिए क्योंकि वो हमारी कंट्री का फ्यूचर है। सो बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर द चिल्ड्रन चिल्ड्रन फोन कॉल हिम चाचा नेहरू। तो बच्चों को बहुत प्यार करते इसलिए बच्चे इनको चाचा नेहरू कहते थे। दस वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी चिल्ड्रन डे। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। ये तो बेटा हो गया नेशनल फेस्टिवल, आपने 4 पढ़ लिए। नेक्स्ट है रिलीजियस फेस्टिवल या धार्मिक फेस्टिवल जो होते हैं वो कौन से होते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्स रिलीजियस, यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं। ऑल द रिलीजियस हैव देयर स्पेशल फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट। सभी के अपने स्पेशल फेस्टिवल हैं। दिस फेस्टिवल प्लेज अ मेजर रोल इन प्रमोटिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड सेपरेटिंग हारमोनी इन द कंट्री। इन फेस्टिवल में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं यूनिटी बनाए रखना, एक हारमोनी बनाए रखना कंट्री में, सभी शांतिपूर्वक रहते हों। देर आर मैनी फेस्टिवल विच द हिंदू सेलिब्रेट थ्रू आउट द ईयर। ऐसे कुछ फेस्टिवल जो हिंदू मनाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स आर होली, रामनवमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली। सम ऑफ द फेस्टिवल अमंग दीज मार्क द पासिंग ऑफ सीजन वाइल सम कैन बी टर्म्ड एज कल्चरल इवेंट्स। कुछ तो यहाँ पर ईयर के सीजन के अकॉर्डिंग भी मनाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ पर कल्चरल इवेंट्स हुए थे उन जैसे रामनवमी या दिवाली, ये इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे। तो ऐसे ही कुछ कल्चरल इवेंट्स हुए थे इसलिए इनको मनाया जाता है। मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर एट द एंड ऑफ मंथ ऑफ रमदान टू मेक सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ फास्टिंग। तो मुस्लिम जो है ईद उल फितर मनाते हैं रमदान के जब मंथ खत्म होते हैं, तो इसमें ये पूरा एक फास्टिंग का टाइम होता है, इनका व्रत रखते हैं पूरा, रोजे रखते हैं, उसकी कम्प्लीशन होती है। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ग्रीट ईच अदर, नए कपड़े पहनते हुए दूसरे को बधाई देते हैं। स्पेशल डिश बनती है जो सेवैयाँ बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड
बांटी जाती है। ईद उल जुहा एंड मुहर्रम आर द अदर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय देम। और कौन से फेस्टिवल ये मनाते हैं? ईद उल जुहा और मुहर्रम मनाते हैं। नेक्स्ट जो सिख मनाते हैं, सिख सेलिब्रेट बैसाखी एट द बर्थ ऑफ खालसा ऑन 13th अप्रैल एवरी ईयर। 13th अप्रैल को सभी सिख जो हैं वो बैसाखी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन खालसा पंथ की जो जन्म हुआ था, खालसा पंथ इसी दिन बना था। इट इज़ अ फेमस फेस्टिवल फॉर द सिख। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द रिलीजियस एंड द हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये धार्मिक फेस्टिवल भी, और इस दिन किसान की जो फसल होती है वो भी कट कर तैयार होती है, इसलिए भी मनाया जाता है। एंड ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। इस दिन सिख जो कम्युनिटी है उनका नया साल भी शुरू होता है। द सिख ऑल्सो सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी एंड मैट्रियम ऑफ सिख गुरुज एट गुरुपुरब। तो जो सिख लोग हैं ये अपने किसी भी गुरु की जयंती या उनके जब शहीदी पूर्व होता है उसको भी एज अ गुरुपर्व मनाते हैं। गुरु नानक जयंती इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरुपर्व। गुरुपर्व इज नोन एज प्रकाश उत्सव। तो गुरु नानक देव की जो जयंती है, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ऐसे कुछ फेस्टिवल है जो फेमस गुरुपर्व हैं, और गुरुपर्व को प्रकाश उत्सव भी बोला जाता है। द पारसीज हु केम टू इंडिया फ्रॉम ईरान आर फॉलोवर्स ऑफ ज़ारथुस्त्र। तो जो पारसीज जो इंडिया में आए हैं ईरान से, वो फॉलो करते हैं ज़ारथुस्त्र को। मीन्स ये जो पारसी हैं इंडिया के नहीं हैं, ये ईरान से आए हुए हैं, तो ये ज़ारथुस्त्र को फॉलो करते हैं। दे बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप हिम थ्रू फायर। ये एक ही भगवान को मानते हैं, उनको थ्रू फायर से उनकी वर्शिप करते हैं। पारसी सेलिब्रेट देयर न्यू ईयर एंड नवराज। तो ये अपना नया साल एज अ नवराज मनाते हैं। पीपल वेयर न्यू क्लॉथ एंड गो टू द फायर टेम्पल टू ऑफरिंग थैंक्स गिविंग। दे ऑल्सो डेकोरेट देयर हाउस ऑन दिस डे। तो ये लोग मंदिर जाते हैं, फायर टेम्पल जाते हैं, और वहाँ पे भगवान को अपना थैंक्स ऑफर करते हैं और अपने घरों को भी सजाते हैं। एवरी ईयर ऑन 25th December क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस 25 December को क्रिसमस डे मनाते हैं। ऑन दिस डे जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। उनके जो गुरु हैं जीसस क्राइस्ट, उनका जन्म हुआ था। इस दिन पीपल सिंग स्पेशल सॉन्ग्स कॉल्ड कैरोल्स। इनके स्पेशल सॉन्ग्स होते हैं वो लोग गाते हैं। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज एंड मेक ब्यूटीफुल क्रिसमस क्राइब्स शोइंग द लाइफ ऑफ जीसस थ्रू द स्मॉल डॉल्स। तो लोग क्या करते हैं, इस दिन क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और क्रिसमस क्राइब्स बनाते हैं छोटे छोटे, जिनसे कि जीसस की लाइफ को शो किया जाता है स्मॉल डॉल्स को यूज़ करके। There are some other religious festival who are celebrated in our country like Nag Panchami, Guru Purnima, Mahashivratri are celebrated by Hindu. ये कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो हमारी कंट्री में मनाए जाते हैं, जो इनको हिंदू मनाते हैं। ईस्टर इज सेलिब्रेटेड बाई क्रिश्चियन। ईस्टर को क्रिश्चियंस मनाते हैं। जैन सेलिब्रेट महावीर जयंती एंड बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेटेड बाई बुद्धिस्ट। नवराज इज सेलिब्रेटेड एज द मंथ ऑफ अगस्त। नवराज का मनाया, नवराज को अगस्त के मंथ में आता है। The population of Parsi in India is just 69,000, but they celebrate this festival with fun and frolic. जो Parsis लोग हैं इनकी जस्ट population तो 69,000 है, बट ये फेस्टिवल को पूरे उल्लास और मजे से मनाते हैं। अब कुछ हैं सोशल फेस्टिवल। सोशल फेस्टिवल्स आर लिंक्ड विद द कल्टिवेशन सीजन। ये फसल से रिलेटेड होते हैं, द क्रॉप से। पीपल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द फार्मिंग सीजन। या तो बिगनिंग में मनाते हैं या उनके एंड होने में मनाते हैं। देर आर मैनी फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड बाई डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रिलीजन ऑन द स्पेशल ओकेजन लाइक सोइंग ऑफ सीड्स, हार्वेस्टिंग ऑफ राइप क्रॉप। मतलब कुछ तो ऐसी हैं जब उनकी फसल बीजते हैं तब मनाते हैं, या कब है कुछ ऐसी हैं जब उनकी फसल पक के तैयार हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बसंत पंचमी एंड मकर संक्रांति आर सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग फेस्टिवल बाय द फार्मर्स इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ के जो फार्मर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बसंत पंचमी है या मकर संक्रांति है, ये स्प्रिंग के फेस्टिवल हैं जो फार्मर्स नॉर्थ में मनाते हैं। जब इनकी फसल, इन्होंने फसल लगानी शुरू, जैसे स्प्रिंग सीजन जब शुरू होता है तब ये मनाए जाते हैं, ठीक है। पोंगल है हार्वेस्ट फेस्टिवल है साउथ का, वो पोंगल साउथ के लोग मनाते हैं, केरला या तमिलनाडु के, जब इनकी फसल पककर तैयार हो जाती है। तो काउज एंड बुलुक्स आर डेकोरेटेड विद फेड एंड फैट। तो उनको यहाँ पे क्या करते हैं, वो अपने गाँव को या बैलों को अच्छी तरह डेकोरेट करते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी में मनाते हैं। इन द इवनिंग द कैट इज लेट इन आउट इन द प्रोकेशन। तो इनको इवनिंग में लोग मनाते हैं इस फेस्टिवल को। इस फेस्टिवल में क्या होता है, जनवरी के मंथ में मनाया जाता है ना, तो इसमें जो कैटल्स होते हैं फिर उनको बाद में प्रोकेशन के लिए निकाला जा लिया जाता है, मतलब कोई जुलूस वगैरह में या कोई रैली वगैरह में लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्नेक बोट रेस। ओनम इज़ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम फेमस फेस्टिवल है केरला का, जो कि सेलिब्रेट होता है अगस्त और सितंबर में। इट इज़ ऑल्सो हार्वेस्ट फेस्टिवल व्हेन पीपल डेकोरेट देयर हाउस इन एक पार्ट इन द स्नेक बोट रेस। तो ये एक डेकोरेट, मतलब ऐसा हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है
जब उनकी फसल कट के तैयार हो जाती है और लोग अपने घर को सजाते हैं और एक स्नेक बोट रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज नवरात्रि इज अ पीरियड ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर। नवरात्रि जो टाइम होता है वो व्रत रखने का और प्रार्थना करने का टाइम होता है। इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द इंडिया इन मैनी डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से पूरे इंडिया में मनाया जाता है। गुजरात में द पीरियड इज मार्क्ड विद डांडिया डांस। इन बंगाल इट इज टाइम फॉर दुर्गा पूजा। गुजरात में तो ये टाइम होता है जिसको डांडिया डांस का टाइम बोलते हैं और बंगाल में इसको दुर्गा पूजा का टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट इज इन तमिलनाडु ड्यूरिंग नवरात्र ईच फैमिली सेटअप एग्जीबिशन ऑफ डॉल्स। तो तमिलनाडु में से अलग तरीके से मनाया जाता है। वहाँ पर क्या करता है, हर एक फैमिली एग्जीबिशन लगाती है डॉल का। इन द मंथ ऑफ स्प्रिंग नवरात्रि कल्टिमेट्स इन रामनवमी। तो स्प्रिंग सीजन में होता है तो नवरात्रि जो होते हैं उनको कल्मिनेट्स किया जाता है रामनवमी के साथ। इन द ऑटम मंथ द एंड ऑफ द नवरात्रा विद द मेन फेस्टिवल ऑफ दशहरा। तो जो स्प्रिंग सीजन के नवरात्र आते हैं, नवरात्र साल में दो बार आते हैं, एक बार तो उनके ख़त्म होते हैं रामनवमी के साथ और जो दूसरे नवरात्रि होते हैं वो ख़त्म होते हैं दशहरा के साथ। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री भी सोशल फेस्टिवल्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड, फॉर एग्जांपल बिहू इन असम। तो कुछ ऐसे पार्ट है कंट्री के लाइक ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पे कुछ सोशल फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं लाइक असम, बिहू असम में मनाया जाता है, दरी अरुणाचल प्रदेश में। ये अच्छी फसल होती है तब मनाया जाता है। मोत्सू मोंग इन द नागालैंड ऑल्सो कम्प्लीशन ऑफ द सोइंग सीजन। मोत्सू मोंग फेस्टिवल है नागालैंड का, ये मनाया जाता है जब उनकी फसल लगा लेते हैं पूरी उगा के रेडी उगा लेते हैं उसको बोलते हैं सोइंग सीजन का एंड होता है जब तब मनाते हैं। सुनो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज ओवर, ट्राई टू सॉल्व इट्स बुक वर्क। थैंक यू।